गोस्वामी पृथ्वीपुर विधानसभा में हम लोग हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहें या फिर ऐसी सीट जो चर्चा का विषय बनी रही, पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया था। इसके बाद यह सीट खाली हुई थी और चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने सुषपाल यादव ने जीत हासिल की थी। लगभग 1.5 साल से ऊपर का कार्यकाल रहा, इसके बाद फिर से आम चुनाव सामने हैं और अब किदार कौन बनेगा पृथ्वीपुर का भाग्य विधाता। नितिन सिंह राठौर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चेहरा, संभावित चेहरा के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। वो चेहरा हो भी सकते हैं क्योंकि उनके अलावा कोई इतना बड़ा दावेदार कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीपुर से है भी नहीं। शिशुपाल यादव बीजेपी की तरफ से चेहरा होंगे या ना होंगे, इस पर भी अभी चर्चा तमाम प्रकार से हो रही है। आज बीजेपी ने एक लिस्ट और जारी कर दी है, लेकिन उसमें शिशुपाल यादव या पृथ्वीपुर विधानसभा का कोई चेहरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे और भी 24 मंत्रियों को तहां पूरी टिकट वहां पर दी गई। एक सीएम चेहरा, 24 जो है मंत्रियों को बीजेपी ने लिस्ट में शामिल किया है। अब पृथ्वीपुर विधानसभा की हम बात करते हैं तो यहां पर नितिन सिंह राठौर और शिशुपाल यादव की आमने सामने की फाइट है, की चर्चा लोग कर रहे हैं। तमाम डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि इन्होंने 1.5 साल में क्या किया, नितिन के जो पिताजी थे बृजेंद्र सिंह राठौर उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। इसके बीच में एक चीज़ की चर्चा चल रही है, वो है स्वर्गीय सुनील नायक की मूर्ति की। हम जहां खड़े हैं उस चौराहे पर, यहां से निवाड़ी ओरछा चौराहे माना जाता है, और पीछे है स्वर्गीय सुनील नायक जी की प्रतिमा, जिसको बीजेपी के विधायक शिशुपाल यादव के कार्यकाल में स्थापित किया गया है। सुनील नायक जी की पत्नी भी अनीता नायक यहाँ से विधायक रही हैं, उन्होंने स्थापित नहीं करा पाई हैं, शिशुपाल यादव ने स्थापित कराई हैं। तमाम मुद्दे लोग उसको चर्चा कर रहे हैं और सुनील नायक चुनाव का केंद्र भी बनते हैं और चुनावी मुद्दा भी बनते हैं। जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई उसको लेके तमाम चर्चाएं होती हैं और पृथ्वीपुर की राजनीति को बदलने में उस हत्याक्रम का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है। राठौर परिवार के बारे में तमाम लोग तमाम प्रकार के आरोप भी लगाते हैं, उन आरोपों को लेकर नितिन तमाम प्रकार की बातें करते हुए नज़र भी आते हैं। इस चुनाव में कौन से मुद्दे बनने वाले हैं, किस प्रकार की चुनावी तैयारियां हैं, इन सब को लेकर हम लोग पृथ्वीपुर पहुंच चुके हैं और लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ के मुद्दों में खास तौर पर हमने ये देखा है कि गुंडागिर्दी दोनों तरफ से, चाहे नितिन सिंह राठौर हो, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि शिशुपाल यादव या उनके समर्थक गुंडागिर्दी कर रहे हैं। तो शिशुपाल यादव की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि नितिन परिवार या राठौर परिवार भी गुंडागिर्दी कर रहा है। शिशुपाल यादव लगातार विकास कार्यों को लेकर पूजन नारियल फोड़ते हुए नजर आ रहे, पूजन कर रहे, नारियल भी फोड़ रहे हैं, और उसको लेकर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भाई काम पास करा लिए तो पूजन तो कराएंगे ही। नितिन एक कह रहे हैं कि कोई कामकाज दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल नारियल एक फोड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि आपकी करीबी फर्म कुछ कामों के ठेके भी लिए हुए हैं। तो ये भी बात हमने जब नितिन से बात की थी तो उन्होंने कहा कि फर्म है, काम करती है, वो अलग मैटर है, उस फर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वीपुर की जनता क्या कहती है, किस प्रकार का चुनाव आगे बढ़ेगा, अब की बार विधायक कौन बनेगा, शिशुपाल यादव अपनी राजनीतिक करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, और नितिन सिंह राठौर जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़े हैं, यहाँ कहीं कि राजनीति की शुरुआत करने के लिए काम कर रहे हैं, जो विरासत उनके पिताजी ने छोड़ के उनके लिए गए हैं उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। राठौर परिवार में नितिन सिंह राठौर के दो चाचा, उनके भैया और खुद नितिन सिंह राठौर चुनावी मैदान में, और जो होटल व्यापारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था पिछले 1-1.5 साल में, उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है लोगों के बीच में रहकर कि नहीं, हम नेता भी हैं और लोगों के बीच में भी हैं, और हम मजे हुए नेता के तौर पर वो बोलते हुए नज़र भी आते हैं। तो वहीं और लोग भी जो हैं वो भी खुलकर चुनावी मैदान में सामने आए। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा इसी चौराहे से निकली थी और ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। ऐसे में कांग्रेस जो के समर्थक जो हैं, कांग्रेस ही जो है कार्यकर्ता हैं, अब आदर्श आचार संहिता लगने बाद खुल के सामने आने लगे हैं। उसके बाद से जो जन आक्रोश यात्रा निकली उसके बाद से लगातार कुछ कार्यक्रम नितिन सिंह राठौर द्वारा किए गए हैं और वहाँ पर भी भीड़ देखने को मिली है। तो भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है या फिर भीड़ ही है, यह भी चुनाव परिणाम जब आएंगे जब पता चलेगा। लेकिन इस समय
पृथ्वीपुर विधानसभा बुंदेलखंड की सबसे हॉट विधानसभा के तौर पर हम लोग देखते हैं और इसमें चुनावी जो संघर्ष होगा बड़ा दिलचस्प होगा। टिकट को लेके तमाम मारामारी चल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से शिशुपाल यादव का चेहरा लगभग तय है। चूँकि 1.5 साल विधायक रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कहे कि बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, तो ऐसे में शिशुपाल यादव की टिकट कटना लगभग कहे कि बीजेपी की तरफ से कहे कि या मान लीजिए कि टिकट उनकी ही हो रही है, इस प्रकार की हम बात मान सकते हैं। और नितिन सिंह राठौर कांग्रेस से चेहरा लगभग तय है, कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, शिशुपाल बना नितिन होगा या लगभग तय है। देखते हैं क्या होता है, जनता क्या कहती है, उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार।